Hello everyone, I'm your host Girish Kulkarni. You're watching Easy GST for You, and I welcome you all to this brand new episode where we are going to discuss various aspects of very, very important form that is GSTR 2B. So, this video ko lekar aapko hogi ki GSTR 2B to is just a facility or a feature which is available on GST network. Why do we pay attention to this particular video? So, mera isme simple answer yahi rahega. कि दोस्तों GSTR 2B is going to be very crucial form as far as the compliance of GST is going to be concerned in the future, or GSTR 2B is going to change the entire way in which the compliance is being made as far as this GST mechanism is concerned. तो आज के हमारे वीडियो में we are going to discuss various aspects of GSTR 2B form. Basically हम लोग देखेंगे कि इसको इवॉल्व कैसे हुआ है GSTR 2B, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन इज आल्सो वर्थ वाइल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अप्रिशिएट द यूज ऑफ GSTR 2B इफ यू नो द हिस्ट्री एंड द प्रोसेस इन विच इट गॉट इवॉल्व. सो दैट वॉज द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंडली, हमारे पास अभी GSTR 2 है जहां पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स आते हैं, ये भी मंथली फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे. तो व्हाई GSTR 2B एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम GSTR 2A, दैट वी विल ट्राई टू असेस. देन वी विल टेक अप सम प्रैक्टिकल केसेस, केस स्टडीज, एंड वी विल ट्राई टू असेस हाउ GSTR 2B वर्क्स, हाउ द डेटा फ्लोस टू GSTR 2B और उसका यूज हम लोग कैसे करें. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी नेटवर्क पे ये फैसिलिटी कैसी देखनी है, कैसे उसका यूज करना है, एंड हाउ टू गो अबाउट ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद व्हाट इज द वे अहेड विद दिस GSTR 2B इन फ्यूचर और उसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये भी हम लोग शॉर्टली आज के वीडियो में देखेंगे. तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, अंत तक ये वीडियो देखिएगा, और आपके जो व्यूज है अबाउट दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट देम इन टू द कमेंट्स. और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हाउ दिस GSTR 2B हैज बीन इवॉल्व्ड. वी ऑल नो दैट द ओरिजिनल जीएसटी फ्रेमवर्क और द मैकेनिज्म इन विच द कंप्लायंस ऑफ जीएसटी इज मेड वाज बेस्ड ऑन थ्री फॉर्म्स, GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3, जहां पे द सप्लायर ऑफ आउटवर्ड जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, ही इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ हिज आउटवर्ड सप्लाइज इन GSTR 1 अप टू अ सर्टेन डेट, जो रिसिपिएंट के GSTR 2 में अपीयर होगा, और बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ दैट GSTR 3 फाइनल हो जाएगा जो रिसिपिएंट फाइल करेगा अलोंग विद द डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी, जिसमें वो मेरा लायबिलिटी क्या है, मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स क्या है, ये असेस करेगा और GSTR 3 फाइल करेगा. दैट वाज द thought process. But as a matter of fact, you know that GSTR 2 and GSTR 3 never went live. So, iske chalte there was a summary written which was brought in GSTR 3B. Ye kyun nahi hue? Because considering the time required for this multiple compliance per period, that is per month, the Indian taxpayers were not habitual in the pre-GST regime, jo service tax, excise or VAT mein involved the. तो उनको ये फाइलिंग फ्रीक्वेंसी और फाइलिंग बर्डन, जो कंप्लायंस का बर्डन है वो काफी होगा, इसके लिए देयर वाज सम रिलैक्सेशन व्हिच वाज गिवन इन फॉर्म ऑफ GSTR 3B. नाउ 3B वाज अ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड रिटर्न, समरी रिटर्न, जहां पे जो लायबिलिटी है वो पुट अप करनी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पुट अप करना है, एंड देन डिफरेंशियल अमाउंट हमको डिस्चार्ज करनी है लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. नाउ जहां पे ये सेल्फ असेसमेंट है तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्रेडिट गेटिंग अवेल्ड बाय द टैक्सपेयर्स, एंड द गवर्नमेंट रियलाइज स्लोली दैट देयर हैव बीन सम टैक्सपेयर्स हु हैव बीन क्लेमिंग द फिक्टिशियस इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फेक क्लेम्स. तो इसको कंट्रोल करने के लिए द फॉर्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज GSTR 2A, जहां पे 2A was similar to GSTR 2 but little different, कि जहां पे सप्लायर ने जो भी सप्लाई किया हुआ है, invoices उसके GSTR 1 में अपलोड किए हुए हैं, those used to get displayed in GSTR 2A, and then the recipient would match it with his input tax credit claim and decide what was correct, what was wrong. But still it did not help because there was no controlling factor ऑफ GSTR 2A में जो क्लेम आ रहा है वो और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लायर टैक्सपेयर क्लेम कर रहा है उसमें कुछ कनेक्शन नहीं था. सो इन अक्टूबर 2019
last year, rule 36(4) was introduced. Now that there is a you know, the legality of 36(4), constitutionality, etc., is in question. Still, for the purpose of academic discussion, we have to consider this rule. So rule 36(4) introduced kiya jisme matched credit or unmatched credit concept launch hua. So every taxpayer who is filing GST or 3B and discharging his liability based on the input tax credit claims that he has, he is supposed to compare those claims with the credits which are appearing in GSTR 2A, which was the output of the GSTR once filed by his or her suppliers. So wo compare karke, there would be two things: the credit jo match ho raha hai uske input tax credit mein se, aur credit jo match nahi ho raha hai. So jo match credit ho raha hai, that he can avail 100%, and on top of that 20% of that match credit was given as a provisional bucket, a provisional threshold for claiming the unmatched credit which is not appearing in GSTR 2A. Slowly going forward from 1st January 2020, this that 20% limit was brought down to 10%, and as it was planned, or probably as it was the intention of the government, to make it zero, means only the taxpayer can only claim the match credit in 2A in few periods time. That was the thought process and intention of the government. Iske chalte March 2020 mein GST council meeting ho gayi thi, jahan pe there were few representations before that which were made to council saying that the process of matching and applying rule 36(4) was so complicated that there was overlapping of periods, and then the reconciliation every time. It was a very time consuming and you know, wasting a lot of efforts and manners of the taxpayers and professionals. So those were the concerns which were raised. So in the council meeting of March 2020, it was recommended by the council that there should be some linking between GSTR 2A, or the credits which are appearing through GSTR 1, and the credits which are claimed in GSTR 3B. So in that meeting, it was proposed that there should have been a direct linking, and the GSTR 2A was suggested to be revamped to incorporate such changes. But unhone kya kiya, instead of revamping GSTR 2A, they brought in GSTR 2B as a fresh form, you know, wherein that tracking mechanism or freezing mechanism is available. Now wo mechanism kya hai, wo hum is video ke chalte dekhenge ki kya kya usme facilities hai. To uske pehle aur ek important cheez dekhenge ki use of GSTR 2A by authorities was a little bit not appropriate in terms of the notices those were issued. Wo kaise, wo ek illustration leke dekhenge hum log. तो इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, इनवॉइस डेट है 1st January 2021, जनवरी महीने की इनवॉइस है. तो ड्यू डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लायर टू फाइल जीएसटीआर 1 वाज लेट्स से इज 11th फरवरी 2021, नेक्स्ट मंथ की 11 तक. लेकिन सप्लायर ने ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किया है. ओके, तो सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड इट अप टू द ड्यू डेट, एंड द रिसिपिएंट फाइल्स हिज जीएसटीआर 3B ऑन 20th फरवरी 2021. सो इट इज अ appropriate filing within the due date by the recipient, wherein the supplier has not filed his GSTR 1. Still, the recipient claims the input tax credit. Okay, now this fact is found out by the authorities, and authorities want to send a notice to the recipient saying that the claim that you have claimed, the input tax credit that you have claimed, is not appropriate as your supplier has not filed his GSTR 1 up to the date of filing GSTR 1, that is 11th February. Now, how the authorities would come to know, assuming that there is no GSTR 2B for time being, that GSTR 2B 2A of the recipient is not reflecting this particular invoice as on 11th February 2021. Now, by this notice is issued, let's say a notice is issued immediately on the next day, 21st February, etc., and that notice is reaching to the recipient. Recipient is looking at the notice and verifying his records and appearing before the authorities. Let's say by 28th of, or maybe 1st of March, he is appearing before the authorities. Now, by that time, in between, the supplier has already filed the GSTR 1, let's say on 25th February. Can you file the GSTR 1 on a delayed basis? Yes, very much you can file. So instead of 11th February, filed on 25th February. Now, the moment he files the GSTR 1 on 25th February, his GSTR 2A is updated. Whose GSTR 2A? The recipient's GSTR 2A is updated to incorporate this particular invoice. So on 1st of March, when this Mr. whoever
has claimed this input tax credit appears before the authorities and shows that GSTR 2A, then the authority is surprised because the 2A is also showing this particular invoice as he, the supplier, has filed the return. Now, this is the problem those were faced by the authorities. So the 2A is going to help the authorities as well, as it is a static report which is generated on the last date of the period, that is 11th February 2021 at midnight, 11:15 or maybe 12 midnight. The report is frozen, and 2B will never have this, 2B of this particular month will never have this invoice, but the 2B of next period will have this invoice because it is filed in the next period. How, we will see in the next part of the presentation, so that you will better understand 2B, and let's go ahead. So what is the current status of GSTR 2B? Aaj ki tarikh mein, this is just a facility or a feature that is being made available on the GST network once you log in. There is no legal sanctity to this. Provisions are not yet amended to incorporate the mechanism of GSTR 2B. Rather, it is not made compulsory for taxpayers also to consider GSTR 2B currently while filing their respective forms such as GSTR 3B. So, aage chalke kya hoga? Definitely, there will be certain things which will be made in terms of amendments, etc., to incorporate this particular form. And probably there is a thin chance that GSTR 2A will totally get replaced, because all the probably functions of GSTR 2A will be incorporated in GSTR 2B. And how the authorities will use it? Obviously, from the illustration that we saw, now authorities will use this as a tool to identify which credits which were claimed by the recipient are appropriate, are the result of appropriate filing of their suppliers or a delayed filing of their suppliers. So, coming to the features part of GSTR 2B, पहली चीज तो यह है कि इट इज अ स्टैटिक, इट इज नॉट डायनेमिक सिमिलर टू जीएसटीआर 2A. तो वो फ्रीज हो जाएगा एक स्पेसिफिक डेट पे. कौन सी डेट, वो हम लोग देखेंगे. इट इज अ मंथली जनरेटेड फॉर्म, सो फॉर एवरी मंथ देयर इज अ फॉर्म. इट इज अवेलेबल एज अ एड फॉर द रिसिपिएंट एंड फॉर द अथॉरिटीज बोथ. ये फाइल नहीं करना है रिटर्न, जैसे कि हम लोग 3B करते हैं, R1 करते हैं. इट इज जस्ट अ डिस्प्ले रिलेटेड फॉर्म, जो डिस्प्ले हो सकता है, मैच हो सकता है, और इससे रिलेटेड एनालिसिस करके the taxpayer can file his own returns. Now, इसमें क्या आएगा? तो it will include all the input tax credit entries which are coming through various sources such as GSTR 1, which is filed by normal taxable person, GSTR 5, which is non-resident का है, GSTR 6, which is input service distributor है. तो various sources through which a taxpayer can receive the input tax credit, वो सब इसमें linked हो जाएंगे. इतना ही नहीं तो बल्कि आइस गेट भी इससे लिंक होगा. तो इंपोर्ट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, दोज विल बी डायरेक्टली लिंक्ड टू 2B. राइट नाउ इफ यू सी द फीचर इज नॉट अवेलेबल, एटलीस्ट व्हेन आई चेक लास्ट टुडे इट वाज नॉट शोइंग एनी डिटेल्स, बट स्लोली बाय द टाइम इट इज मेड कंपल्सरी आई थिंक दिस फंक्शनैलिटी विल ऑल्सो वर्क. सो दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप. सो ऑल द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विच आर अपियरिंग ऑन आइस गेट, देर वोंट बी necessity to double check it with IceGate, as those will be appearing in GSTR 2B while claiming the input tax credits. But services case mein wo nahi hoga appear, it will be only pertaining to the goods. Uske baad the figures of ITC jo hai wo alag alag type mein wahan pe dikhte hain. Hum log aage chal ke dekhenge wo kaise 2B mein appear hote hain, tab humko samjhega ki eligible kaun sa hai, ineligible kaun sa hai. It tries to bifurcate that on certain basis of certain things, so wo ITC auto populate ho jayega. Also it will help to restrict the ITC claims while filing GSTR 3B. wo kaise, wo bhi hum log example ke taur pe dekhenge. To kaun sa data GSTR 2B mein appear hoga, let's try to understand that fact. तो अभी टुडे 17 सितंबर 2020, तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ अगस्त मंथ. तो अगस्त मंथ के अभी जीएसटीआर 3बी आर बीइंग फाइल्ड. तो जीएसटीआर 1 के जो अगस्त मंथ के जीएसटीआर 1 जो है, उसकी लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग थी 11 सितंबर रात को 12 बजे 12 मिडनाइट. So those can be filed up to 11 September, but after that also belated filing चालू है. तो 11 September 12:01 midnight के बाद का उससे
टिल डेट अभी भी जीएसटीआर 1 अगस्त के फाइल हो सकते हैं। तो एक केस लेंगे मिस्टर एक्स के अगस्त के जीएसटीआर 2 वे में क्या अपीयर हो जाएगा, तो उसमें व्हाट विल अपीयर इज दैट कि ऑल इनवॉइसेस अपलोडेड बाय ऑल द सप्लायर्स ऑफ मिस्टर एक्स हु आर फाइलिंग द रिटर्न्स इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 12th अगस्त मिडनाइट से चालू हो जाएगा, चालू होगा अप टू द 12 मिडनाइट ऑफ 11th सितंबर। इट इज अ कंप्लीट मंथ साइकिल फॉर विच ये जो इस मंथ में जो भी रिटर्न्स फाइल होंगे जीएसटीआर 1 बाय वेरियस सप्लायर्स वो अगस्त जीएसटीआर 2 बी ऑफ मिस्टर एक्स में अपीयर हो जाएंगे। तो अगस्त जीएसटीआर 2 बी विल बी यूज्ड बाय मिस्टर एक्स व्हाइल फाइलिंग हिज अगस्त जीएसटीआर 3 बी टू आइडेंटिफाई हिज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्लेम। कैसे देखते हैं केस स्टडी। तो लेट्स से देयर आर 5 सप्लायर्स ऑफ मिस्टर एक्स ए बी सी डी ई, वो अलग अलग इनवॉइसेस उन्होंने इशू किए हैं वाइड द गुड्स विच वर सप्लाइड बाय दोस सप्लायर्स ए बी सी डी ई टू मिस्टर एक्स। तो एक एक केस देखेंगे। मिस्टर एक्स को मिस्टर ए ने जो गुड्स बेचे थे इन द मंथ ऑफ अगस्त उसके लिए 5th अगस्त पे एक इनवॉइस जनरेट किया था। तो फॉर अपलोडिंग दिस पर्टिकुलर इनवॉइस थ्रू जीएसटीआर 1 what was the last date? The last date was 11th of September 2020. So he filed his GSTR1, A filed his GSTR1 on 5th September 2020. So whether it was filed within due date, the answer is yes. So as it is filed in the due date, this will appear in the GSTR 2B of August 2020. So 5th August ka hai, within due date kiya hua hai, to August 2020 mein aa jayega. 31st August 2020 ka invoice hai, it is filed on 11th September, still on the due date, on the last day of due date. Whether it is filed within due date, answer is yes. So it will still appear in the August month. Lekin 16th August ka invoice date hai aur due date of GSTR 1 ke filing ke baad file kiya hai. So 11th September ke baad file kiya hai. So whether it is filed in due date, the answer is no. So it will appear in the next period that September mein kiya hai. So September ke GSTR 2B mein वो अपीयर होगा। इतना ही नहीं, तो अगर कोई प्रीवियस पीरियड का भी बिफोर दिस ड्यू डेट फाइल होता अगर उसने अपलोड किया है, फॉर एग्जांपल 25 जुलाई का इनवॉइस डेट है लेकिन उसने जुलाई का जो जीएसटीआर 1 है वो 11th अगस्त तक करना चाहिए था, वो किया नहीं है, उसने वो 5th सितंबर को फाइल किया, तो वो सितंबर 11th तक फाइल करने के वजह से अगस्त 20 के जीएसटीआर 2B में आएगा जैसे ऊपर के केसेस है, राइट। सो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डेट ऑफ फाइलिंग है वो 12th अगस्त से लेके 11th सितंबर के पीरियड में फॉल हो रही है डेट ऑफ फाइलिंग, तो वो सभी इनवॉइसेस अगस्त 20 के जीएसटीआर 2B में आएंगे। बल्कि पिछले पीरियड के ही नहीं, उसके पहले साल की भी केस हम लोग देखेंगे कि ई सप्लायर ने 31st मार्च 2019 का इनवॉइस इशू किया था और वो इनवॉइस उसने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया 5th सितंबर तक उसको उसने फाइल किया, तो इट इज अपीयरिंग इन द अगस्त जीएसटीआर 2B एज इट इज फॉलिंग ड्यू इन द पीरियड ऑफ 12th अगस्त से लेके 11th सितंबर। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, अगस्त 20 के जीएसटीआर 2B में वो फॉल करेगा। तो इसका अगर हम लोग कंपेयर करें जीएसटीआर 2A से तो क्या डिफरेंस है, 2A में भी क्रेडिट अपडेट होता है, 2B में भी होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। हाउ, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। केस ए, 5th अगस्त 2020 इनवॉइस डेट, जीएसटीआर 1 फाइल्ड 5th सितंबर, विद इन ड्यू डेट फाइल किया, यस। तो इन विच जीएसटीआर 2B इट विल अपीयर, अगस्त के करेगा क्योंकि 11th सितंबर तक के जो भी होते हैं, 12th अगस्त से लेके 11th सितंबर तक जितने भी फाइल होते हैं वो सब अगस्त में फॉल करेंगे। ऑल्सो ये अगस्त से पर्टेनिंग इनवॉइस है, तो जैसे ही द मोमेंट जीएसटीआर 1 इज फाइल्ड हिज 2A ऑफ अगस्त इज अपडेटेड टू दैट एक्सटेंट। सिमिलरली 31st अगस्त की इनवॉइस है, 11 सितंबर को फाइल किया, इट इज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, इट विल अपीयर इन जीएसटीआर 2B ऑफ अगस्त एज वेल एज जीएसटीआर 2A ऑफ जीएसटीआर 2A ऑफ अगस्त। लेकिन 16th अगस्त की इनवॉइस है, इट इज फाइल्ड ऑन 15 सितंबर व्हिच इज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, पोस्ट ड्यू डेट है, तो ये नेक्स्ट 2B के पीरियड में चला गया, तो सितंबर 20 के 2B में वो अपीयर होगा। लेकिन एज द इनवॉइस डेट इज 16th अगस्त, अगस्त मंथ का 2A उसका अपडेट हो जाएगा, सो इट विल बी बिलोंगिंग टू जीएसटीआर 2A ऑफ अगस्त।
और एक एग्जांपल लेते हैं, 25th जुलाई 2020 का है, फाइल किया है 5th सितंबर, वेदर फाइल्ड इन ड्यू डेट, आंसर इज नो, बट वेयर व्हिच इन व्हिच पीरियड इट इज फाइल्ड, फ्रॉम ऑगस्ट 12th अगस्त 2020 से लेके 11th सितंबर 2020 में किया है, सो इट इज अपीयरिंग इन ऑगस्ट जीएसटीआर 2बी, बट व्हिच 2A विल गेट अपडेटेड, ऑब्वियसली 25th जुलाई का इनवॉइस है तो जुलाई 20 का GSTR 2A अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली 31st मार्च 19 के केस में, एज इट इज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, इट इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट वाज 20th अप्रैल 2019, तो अगस्त 2020 का ये अपडेट हो जाएगा, टू बी उसमें वो अपियर होगा बिकॉज इट द फाइलिंग डेट इज 5th सितंबर, और GSTR 2A ऑफ मार्च 2019, इधर यहां पे देयर इज अ स्मॉल टाइपो एरर, मार्च 19 का GSTR 2A अपडेट हो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B। इनवॉइस डेट जो है वो GSTR 2A में अपलोड अपडेट हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग, बट GSTR 2B के केस में जो पीरियड में फाइल होता है वो पीरियड के GSTR 2B में अपियर होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे जितने भी ऑगस्ट दिख रहे वो 12th ऑफ ऑगस्ट 2020 से लेके 11th सितंबर ऑफ 20 तक जितने भी फाइल हो गए वो ऑगस्ट में अपियर हो जाएंगे। तो दैट वाज माय एफर्ट टू एक्सप्लेन दिस केस स्टडी टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ GSTR 2B। अब हम लोग चलते हैं GSTN नेटवर्क की तरफ और वहां पे ये GSTR 2B कैसे देखना है, ये फैसिलिटी कैसे असेस करनी है वो देखते हैं। सो वंस यू लॉग इन होने के बाद ये आपका जो डैशबोर्ड है वहां पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आप अगर क्लिक करते हो तो आपको पीरियड सिलेक्शन की विंडो आती है। वहां पे लेट्स सिलेक्ट द सेम पीरियड जो अगस्त 2021 का जो है पीरियड, तो उसमें सर्च करने के बाद देयर वुड बी वन सेपरेट ब्लॉक इन विच ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 2B विल अपीयर। यहाँ पे आपको दो क्लिक्स, दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो इन वेरियस फॉर्म्स, PDF, Excel, etc., और एक व्यू कर सकते हो। व्यू करने के बाद एक ऐसी विंडो आपके सामने नजर आएगी, उसमें पीरियड और ये ऊपर रहेगा, इसके बाद समरी एंड ऑल टेबल्स ये आपको दिखेगा। समरी ये ऐसे दिखते, दिस इज अ समरी विच इज बींग शोन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। उसके बाद ऑल टेबल्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये सब ड्रॉप डाउन भी आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉप डाउन है ऑल अदर ITC में, यहाँ पे अगर इनवॉइस वाइज या सप्लायर वाइज अगेन डिटेल्स आपको नजर आएंगे। इसके बाद ITC अवेलेबल एंड ITC नॉट अवेलेबल दो ऑप्शंस है। ITC अवेलेबल आप अभी देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, उसमें पार्ट्स है एंड वेरियस पर्टिकुलर्स एंड देयर इज वन कॉलम व्हिच इज कॉल्ड एज GSTR 3B टेबल। तो आपके GSTR 3B के फोर टेबल में, टेबल नंबर 4 में और वेरियस टैब, उसके टैब्स में आपके ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नजर आ सकते हैं जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस सभी कॉलम वाइज, कॉलमनर वाइज फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपके फॉर एग्जांपल नॉर्मल सप्लायर ने जो इनवॉइसेस GSTR 1 के थ्रू आपको पास ऑन किया है क्रेडिट, वो यहां पे दिखेगा 209,357,357। इसी के साथ अगर कुछ क्रेडिट नोट्स वगैरह भी है आपके सप्लायर्स ने अपलोड किए हैं उसके GSTR 1 में, तो ये इधर यहाँ पे यू कैन सी those are getting reflected। अब ये ITC not available क्या है और इसको कैसे समझता है कि how that ITC particular in particular is not available? तो it is very simple कि जो tracking mechanism है उसको consider करके, I will show you one example कि ये tracking mechanism में these are the 5 invoices which are appearing is as not eligible। तो उसके details यहाँ पे appear होते हैं, GST number, trade name, etc. then उसकी invoice date वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड स्क्रीन है जो मैंने एक ही स्क्रीन में कंबाइन किए, यहाँ पे एंड में रीजन भी आता है। तो रीजन दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एंड सप्लायर स्टेट आर सेम बट रिसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट। जैसे कि मेरा स्टेट है 27 महाराष्ट्र और ये जो सप्लायर है ही इज फ्रॉम गुजरात और गुजरात का सेंट्रल और स्टेट टैक्स उसने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एलिजिबल टू क्लेम दिस क्रेडिट। तो वो नॉट, तो ये टैब में वो अपियर हो रहा है जो ITC नॉट अवेलेबल का टैब है। तो गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी व्हाट आर द अदर फीचर्स। तो सप्लायर वाइज डिटेल्स अवेलेबल है या इनवॉइस मतलब डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी, वाइज डिटेल्स भी अवेलेबल है। सप्लायर वाइज में यहाँ पे सप्लायर नंबर आता है, नाम आता है, देन नंबर ऑफ इनवॉइसेस रिकॉर्ड्स कितने हैं वो यहाँ पे आएंगे, उसकी टोटलिटी में डिटेल्स यहाँ पे अपेयर होंगे। वंस यू क्लिक ऑन दिस रिस्पेक्टिव सप्लायर्स देन जो भी उसके रिलेटेड जो इनवॉइसेस है वो भी आपको नजर आ जाएंगे। तो
इसको क्या करना है आपको, तो यू कैन ऑब्वियसली मैच इट विथ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। तो मैचिंग के लिए यहाँ पे फैसिलिटी भी दी है डाउनलोड्स में, अगर आप जाके मैचिंग ऑफलाइन टूल्स वर्जन 1 आपको आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आप एक्सेल यूटिलिटी यूज करके आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका परचेस रजिस्टर वहां पे आप डाल सकते हो। यू कैन मैच इट विद द जीएसटीआर टू बी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा विद द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल विच इज सिमिलर टू द अर्लियर टूल्स। तो ये एक और एक फैसिलिटी टू रिकंसाइल योर इनपुट टैक्स क्रेडिट विद जीएसटीआर टू में। अभी इस पे कोई भी कंपल्शन नहीं है बट गोइंग फॉरवर्ड देयर वुड बी, सो आई सजेस्ट दैट यू गेट फैमिलियर विद ऑल दिस फंक्शंस एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे चल के इसका क्या होने वाला है, कि पॉसिबिलिटी है कि जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस है, जैसे जैसे जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑफ मार्च में सजेस्ट किया था कि जैसे सेक्शन 37 है, रूल 36(4) है, ये अमेंड करने के लिए करना पड़ेगा उनको टू मेक जीएसटीआर टू बी एप्लीकेबिलिटी इजियर एंड अप्रोप्रिएट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मैचिंग एंड अनमैचिंग क्रेडिट ऑफ 10% जो एक्सेस दिया है थ्रेशोल्ड वो भी रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे 100% आईटीसी जो जीएसटीआर टू बी से मैच होगा वही क्लेम करने का कंपल्शन फ्यूचर में आ सकता है। ऑब्वियसली the constitutionality, the legality of putting such restrictions on input tax credit, hampering the free flow of input tax credit, increasing the cascading effect, etc. are to be considered, and that is a separate discussion altogether. I am just discussing this GSTR 2B academically to understand what are the impacts those are possible considering the mandate of using GSTR 2B at the time of filing GSTR 3B. Also, authorities will use it now for issuing the notices for the mismatches and for the recovery of wrongly availed input tax credit along with interest, etc. So that is a tool for authorities also to comply with the internal requirements. Shortcomings kya hai GSTR 2B ke abhi filal, which may be corrected in the near future. So ek to legal sanctity nahi hai usko. So after the amendments, respective amendments, that would be possible. डबल क्लेम की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अगर आपने पहले ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है एंड इट इज अपेयरिंग बेस्ड ऑन द लेट फाइल्ड जीएसटीआर 1 ऑफ योर सप्लायर इन द जीएसटीआर 2B ऑफ करंट पीरियड, तो करंट पीरियड में वापस अगर आपने एज गुड एज मतलब जो जीएसटीआर 2B में क्रेडिट अपियर हो रहे हैं वो वैसे के वैसे अगर आपने क्लेम किए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच वन शुड नोट। उसके बाद फुल प्रूफ नहीं है ये कोई भी क्लेम, as you know that the invoices those appear in GSTR 2B may be pertaining to block credit, so system to obviously will not be able to identify whether it is a block credit or not. The claimant has to assess whether the credit is a block credit or not and whether the conditions of section 16 are supplied or fulfilled or not. For example, goods mujhe mile hi nahi hai, it is in transit, or yeah, service mujhe completely mili nahi hai, it is yet to be received, और इनवॉइस इशू हो गया है, तो इस केस में क्रेडिट तो अपीयर होगा 2B में, तो 1 इनवॉइस भी है मेरे पास, तो ऑब्वियसली 1 वुड गो एंड अवेल द क्रेडिट, बट इट इज नॉट एज पर द प्री कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 वेयर इन द सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बिफोर द क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट, तो या तो फिर गुड्स विच आर शुड बी रिसीव्ड बिफोर द क्लेम ऑफ द क्रेडिट, तो ये फुल प्रूफ नहीं है। इसके साथ कंप्लायंस में डेफिनेटली देर वुड बी इंक्रीज एज the time cost is going to affect increase, additional efforts lagenge, cost lagega, understand karna aur uske baad reconcile karna for every month would be an additional task for the taxpayers and the professionals. To ye kuch shortcomings hai 2B ke, but genuinity of the claim would definitely increase ye tax evasion ya faulty claims ki jo series hai us pe kafi sara control isme hone ke chances yahan pe dikh rahe hain. So that was it. My take on GSTR 2B was there in this today's video. I hope you like this video. If you do, please hit the like button. And obviously, ye jo presentation hai, wo main, I'll be sharing it with the certificate holders of all the three courses of our Easy GST for UK jo channel pe lockdown ke period mein hue the. उनके पूरे सर्टिफिकेट होल्डर्स के साथ ये प्रेजेंटेशन में ऑन मेल शेयर करूंगा। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड डे।